अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल जो हमने नहारी मसाला बनाया था आज हम उससे नहारी बना रही हैं। मैंने एक चम्मच इसी से तेल लिया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा तेल, रीज़न ये है, और तली प्याज लूँगी थोड़ी सी, तो इसे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और तेल इसलिए कम लिया है कि इसका जो बघार है ना, बघार इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सिर्फ एक मुट्ठी प्याज डालिएगा ताकि उसका टेस्ट आ जाए। ये देखिए बस, बाकी हम बघार में डालेंगे। कोरमे में प्याज ज़्यादा पड़ती है, नहारी में ज़्यादा नहीं पड़ती। ये मैंने 2 किलो बोटियाँ ली हैं, ठीक है, उसकी एक बोंग की, ये देखें बोंग है ये सारा। प्रेशर कुकर में इसको तकरीबन 25 मिनट के करीब मैं बनाऊंगी, ठीक है। अब इसको हम मसाले के साथ, थोड़ा सा मसाला हम बघार के लिए रोकेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने रोक लिया, बाकी सारा इसमें डाल के बघार में दोबारा ये मसाला करके डालते हैं। थोड़ी सी सोट, थोड़ा बादियान का फूल, थोड़ी सौंफ, और ये मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, तो बघार पे बहुत अच्छा सा हो जाता है। तेल अभी डालने की इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि जब हम आटा डालेंगे ना तो ये सारा तेल जस कर लेगा, तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उस पर तेल डालना यूज़लेस है। इसमें अगर बहुत सारा तेल डालें तो बेहतर ये है कि बस ये अदरक लहसुन जो 1 चम्मच भर के मैंने तेल डाला ये वाला, और 1 चम्मच अदरक लहसुन समझें ये वाला, इसका मतलब है 3 टेबल स्पून के करीब 2 किलो गोश्त में। आप चाहें तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं अगर कम, जैसे मुझे थोड़ा सा ही कम महसूस हो रहा है तो मैं 1-2 टेबलस्पून और डालूँगी, ठीक है, ताकि इसकी और हड्डियाँ जो है मैंने अभी आपको वो भी दिखा देती हूँ। 3-4 घंटे हुए मैंने चढ़ा दिए, लहसुन प्याज और 2 चम्मच नहारी मसाला डाल के, ठीक है। वो हड्डियाँ अलग चढ़ी हुई हैं, ये अलग बन रहा है। इसमें कोई आर्टिफिशियल फूड कलर वगैरह मैंने नहीं डाला है, जैसे आर्टिफिशियल फूड कलर होता है एकदम से सारी बोटियाँ लाल लाल नज़र आने लगती हैं, तो वो काम मैंने नहीं किया है, ठीक है ना। ये देखें ये बोटियाँ भुन रही हैं, भुन जाएँ तो फिर इसमें हम पानी डालते हैं, इतना कि ये गल जाए, 2-2.5 गिलास पानी बच जाए, बाकी जो यखनी हम बनाएंगे वो हड्डी की या अरख से बनाएंगे। अब देखिए गोश्त भुन गया है, इसमें ये पानी डालेंगे तकरीबन 1.5 जग के करीब, और फिर उसके बाद इसको लगा देंगे ढक्कन। अच्छा, ये याद रहे कि एक साइड पे हमारी जो नलियां हैं वो भी पानी के साथ चढ़ी हुई हैं, तो कुछ पानी उधर से भी आएगा। तो ये 1.5 जग हम डाल के अभी इसको गलाने का, कुछ इसका भी अरक निकले कुछ उसका भी अरक निकले तो इसको हम पका लेंगे ढक्कन लगा के। ये हो जाता है, गल जाता है, तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हम इसे पकाएंगे, और ये जब गल जाता है तो इंशाल्लाह फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह दोनों शोरबा मिलाएंगे। अभी मैं आपको हड्डियाँ भी दिखाती हूँ कि वो हड्डियाँ किस तरह बन रही हैं। देखिए तेल हमने इतना कम डाला था कि बिल्कुल हल्का सा ऊपर आया है, बाकी सारा तेल हम बघार में डालेंगे, ठीक है। 2 किलो गोश्त के लिए मैंने 3 किलो हड्डी, इसमें 2 चम्मच नहारी मसाला बनाया था मैंने वो डाला, और 2 प्याज डाली इसके अंदर, और 1 मुट्ठी लहसुन। ये डाल के और इस गोश्त को तकरीबन मैंने 3 घंटा हो गया चढ़े हुए, 2 घंटा और चढ़ाऊँगी, फिर इंशाल्लाह इसके नली वगैरह झाड़ के और इसका यखनी वहाँ मिला के फिर आटा मिलाएंगे, ठीक है। ये देखें ये गोश्त गल गया। अब हमने जो नलियाँ बॉयल की थी उसका अरक हम इसमें डालेंगे, छान के इसलिए डाल लें कि कभी नलियों में किरचियाँ होती हैं। देखिए कितना इसके अंदर तेल घी आ गया है। अब इस देखची में वापस सबको पलटेंगे, ये देखिए नीचे एक किरचियाँ हैं ना, ये मुंह में लगती, इस देखची को हल्का सा खंगाल के और फिर ये प्रेशर कुकर का पूरा सामान हम वापस इस देखची में डालेंगे ताकि ये किरचियाँ वगैरह इसमें से निकल जाए, ठीक है। प्रेशर कुकर को हटाते हैं, अब हम आँच हल्की करते हैं, छन्ना निकालते हैं। ये देखिए सारा प्याज व्याज जो जो थी ना, लहसुन जो मैंने आपको बताया था हड्डी में डाल के उबाला था, वो सब इधर आ चुका है। आप देखिए यहाँ रख के
और धीमे धीमे प्रेशर कुकर से गोश हमारा गल चुका है बिल्कुल अच्छी तरह, 20 मिनट हमने 20 से 25 मिनट गलाया है, ठीक है ना। ये देखें ये आ गया। अब इसके अंदर हम सारा ये गोश्त डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके ताकि हाथ पत ना जले, ठीक है। थोड़ी देर पकाएंगे इसके साथ, दोनों शोरबों को मर्ज करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 3/4 कप आटा मिलाएंगे, ठीक है। अभी इसको आधा घंटा मज़ीद एक दूसरे के साथ हम पकाएंगे ताकि टेस्ट जो है वो आपस में मर्ज हो जाए, ठीक है। ये देखिए नली की यखनी है और उसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब मैंने आधा कप आटा लिया है और 2 कप जो है उसमें पानी डाला है, इसको प्रॉपर फेटूंगी। आपको ज़्यादा गाढ़ी नहारी खानी है तो आप 3/4 कप डालिएगा आटा, मुझे बहुत गाढ़ी नहारी नहीं पसंद है। और अभी स्टिल मैं इस आटे के साथ भी इसको 1 घंटा मज़ीद पकाऊंगी तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा उस वक्त तक। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप 1/4 कप जो है नहारी का बढ़ा दीजिएगा आटा नहारी में, ठीक है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, जहाँ खोल रहा है वहाँ डालना है और इसको चलाना है ताकि आटा कहीं जाके जमे ना, ठीक है। ये बहुत अच्छा, मैदा नहीं डालना है आटा डालना है। लोग मैदा भी डालते हैं लेकिन मुझे मैदा इसके साथ पसंद नहीं है। अब इसके हम खोल का इंतज़ार करेंगे क्योंकि हमने 2 कप पानी डाला है तो इसका टेम्परेचर लो हो गया है, और अब इसका टेम्परेचर एक दफ़ा हाई हो जाए, खोल का इंतज़ार हो जाए, खोल आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि अब आटे की कहीं गुठली नहीं बनेगी। एक दफ़ा खोल आ गया है, टेम्परेचर ले लिया है, ये देखिए कहीं पर भी शोरबे में आपको आटे की गुठली नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है। और अगर हम बहुत ज़्यादा आटा डालते हैं तो ये सारा तेल पी जाता है और उसके बाद फिर ये बिल्कुल नज़र नहीं आता और अजीब थिक थिक सा हो जाता है। बहरहाल मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग देखिए खोल आना साइड से शुरू हो गया है, मैं एक दफ़ा इसे और चलाऊंगी और फिर इसको धीमी आंच पे मैं 1 घंटे के लिए मज़ीद छोड़ूंगी। नहारी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, नहारी हो गए, पाए हो गए, हलीम हो गई, ये झटपट पकने वाले खाने नहीं हैं। अगर आपको टेस्ट चाहिए, टेस्ट नहीं चाहिए तो चिकन में बना लें, चिकन में भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन चिकन और बीफ की नहारी का फ़र्क ये है कि चिकन की नहारी में आपको आटा शुरू से डालना चाहिए क्योंकि जब तक चिकन के गलने का टाइम हो आटे का कच्चापन ख़त्म हो चुका हो। ये देखिए अब ये घुल गया है, इसमें भदक आनी शुरू हो गई। भदक आना इस बबल्स को कहते हैं जो इसके अंदर आता है। अब इसकी आँच करेंगे हम धीमी और इसको 1 घंटे के लिए मैं मज़ीद छोड़ दूँगी। बीफ की नहारी बहुत लंबा टाइम लेती है तब अच्छी बनती है, कड़ी भी इसी तरह बहुत लंबा टाइम लेती है तब अच्छी बनती है। तो अब 1 घंटे के बाद मिलते हैं जब ये नहारी गाढ़ी हो चुकी होगी, शोरबे सारे मर्ज हो चुके होंगे, आटे का कच्चापन ख़त्म हो चुका होगा, तब इसका बघार तैयार करते हैं, देखते हैं हम बघार में क्या डालते हैं। ये देखें अब ये हो गया मसाला, ये जो बचा हुआ था ना, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मसाला है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 3 बादियान के फूल डाले मैंने इसमें, और ये अदरक पाउडर, नीचे तेल गरम हो रहा है, चलो इसमें चला भी गया तो कोई बात नहीं, इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, भर के ये सब डाला, इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसको अंदर डालेंगे प्याज, थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज तेल गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं हम। नहारी तैयार है बिल्कुल, सिर्फ आखिरी बघार चाहिए हमें नहारी का। ये मसाला पिस गया, हमने तकरीबन 1/2 कप के करीब प्याज ली, ये बघार के लिए बहुत अच्छा टेस्ट देती है, ठीक है, तली हुई प्याज है। साथ ही ये मसाला जो हमने पीसा था ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, इसको चलाएंगे।
ताकि मसाले में अगर कोई कच्चापन है तो वो दूर हो जाए। उसके साथ ये है नलियाँ जो निकली हैं, वो भी नहारी के अंदर डाल देंगे। आप मगज़ की बनाना चाहें तो मगज़ की बनाएं, मैंने बहुत थोड़ी नलियाँ डाली हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह के पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, तो मैं खुद हाइपरटेंसिव हूँ तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहने की कोशिश करती हूँ, तो इस वजह से मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है टेस्ट की।